यूट्यूबर मनीष कश्यप चर्चा में, वो अभी तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है। उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मनीष कश्यप का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। सोनू ने मनीष कश्यप को देश हित में लड़ने वाला बताया। इस पर बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी सुशील कुमार ने सोनू सूद को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि देश में मसीहा बनने की होड़ मची है, आपको भी जनता बना देगी, व्याकुल नहीं होना है। बता दें कि तमिलनाडु में बिहारियों की कथित पिटाई का फेक वीडियो शेयर करने के मामले में मनीष पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी बीच सोनू सूद ने मनीष कश्यप को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं, जो भी होगा सही ही होगा। इस पर अब वरिष्ठ IPS अधिकारी और बिहार पुलिस के साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के SP सुशील कुमार ने सोनू सूद को घेर लिया। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, सोनू सूद जी, देश में कानून और न्याय सर्वोपरि है, देश हित के पीछे छिपकर समर्थन करने से पहले इंतजार कर लेते, आपका ट्वीट शक और अविश्वास पैदा करता है, पुलिस पर भरोसा बेशक मत कीजिए, देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान कीजिए, मैं भी कहता हूँ जो होगा अच्छा ही होगा, आपकी ये बेचैनी और जल्दबाजी आपके एजेंडे को एक्सपोज करती है, देश में मसीहा बनने की होड़ मची है, आपको भी जनता बना देगी, व्याकुल नहीं होना है, आपका एक नागरिक देश हित में जारी। बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप सोनू सूद से कई बार मिल चुका है। उसने सोशल मीडिया पर सोनू सूद के साथ कई फोटोज भी शेयर किए थे। फिलहाल मनीष तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है। उसने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दी थी। इस पर शीर्ष अदालत ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को फिलहाल बेल देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी। दरअसल मनीष ने कोर्ट से इस याचिका में ये भी मांग किया है, उसके खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में जो अलग अलग मामले दर्ज हैं, उन्हें क्लब करके सुनवाई की जाए। मनीष के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि बिहार में FIR को लीड FIR बनाने का निर्देश दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।